पन्ना जिला यूं तो देश दुनिया में मंदिरों और हीरो और झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कई बड़ी नदियाँ भी हैं, लेकिन इसके बावजूद पन्ना में गर्मी आते ही पानी की किल्लत शुरू हो चुकी है। ये मामला जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 17 के एक ऐसे क्षेत्र का है जहाँ खुद कलेक्टर और नगर पालिका CMO रहते हैं। आलम यह है कि करीब 500 लोगों की बस्ती में महज एक ही नल के भरोसे है, जिसमें पानी की सप्लाई भी एक दिन छोड़कर एक दिन आती है, जिसके चलते रहवासी कलेक्टर बंगला के सामने बने गड्ढे जहां से पानी की टंकी का पानी रिस कर निकलता है, वहां से जान जोखिम में डालकर गंदा पानी भरकर अपनी निस्तार करने को मजबूर है। कोठी है कलेक्टर के बंगला के सामने है, और एक कनेक्शन लगा है। जनता यहाँ बहुत ज्यादा है और इतनी भीड़ पड़ती है, पानी नहीं मिल पा रहा है। वो कलेक्टर साहब भी यहीं से निकलते हैं तो देखते रहते हैं, हजारों डब्बा रखे रहते हैं। 4 बजे भुंसारे से हम लाइन लगाते हैं, जब जाके एक एक दो दो डब्बा पानी मिल पा रहा है। और पानी की बहुत समस्या, लड़ाई भिड़ाई भी बहुत ज्यादा होती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्हें एक एक डब्बा पानी के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। घंटों तक सारे काम छोड़कर उन्हें तपती धूप में लाइन में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। पानी के लिए बड़े संघर्ष करने पड़ता है, एक एक डब्बा के लिए पानी तरसते हैं आदमी, लड़ाई भी हो जाती है, डंडा भी चल जाता है पानी के लिए। अब बोलो करे तो करे क्या। यहाँ कलेक्टर बंगला भी, कलेक्टर साहब निकलते भी है, कलेक्टर साहब निकलते भी है, सब देखते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। पानी की समस्या कैसे खत्म होती है आप लोग? यहाँ लड़ लड़ के समस्या खत्म होती, पानी आ ही नहीं रहा, एक घंटा पानी देते बाकी बंद करते। ऐसा नहीं है कि लोगों ने इसकी शिकायत नगर पालिका या उच्च अधिकारियों से नहीं की, बल्कि कई बार शिकायतें करने के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। कि पानी की उपलब्धता को देखते हुए हम मतलब लगभग 1-1.5 साल हो गया, एक दिन छोड़ के हम पानी की उपलब्धता कराते हैं, क्योंकि कुछ नई बस्तियाँ है जो कि 1-2 साल में बस गई है, वहाँ पे पुरानी पाइपलाइन नहीं है, इसलिए वहाँ पब्लिक जो टैब है उसके माध्यम से लोग भरते हैं, तो वहाँ पे भीड़ हो सकती है। किंतु अभी अमृत 2 के तहत पूरे शहर में पाइपलाइन बिछ रही है और हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ से कोई पानी की कमी की बात आती तो वहाँ हम टैंकरों के माध्यम से पानी उपलब्ध कराते हैं। तो हमारा नगर पालिका का पूरा प्रयास है कि पानी की नगर में व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। कई बार स्थानीय लोगों ने पानी के लिए प्रदर्शन किया, आंदोलन भी किया, लेकिन उन्हें हर बार केवल आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। अब देखना होगा कि क्या कुंभकर्णी नींद में सोई प्रशासन लोगों की समस्याओं का समाधान कर पाती है या नहीं।